हाय, आज आपने जैसे थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं हब लाइफ के एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके ऊपर हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और क्या वाकई में इसको यूज़ करना चाहिए, क्या हमारे डाइट के अंदर, वेट लॉस की जर्नी के अंदर हम इसको यूज़ करें या ना करें। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो होगा, आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं हम कुछ एग्जांपल के लिए, एग्जांपल लेंगे एक, जिससे कि हमें एक क्लियर हो जाए थॉट हमारा कि भाई हाँ इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे हमें नहीं यूज़ करना है, तो भी एक आइडिया लगे हमें। तो सपोज़ आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाने के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल और आपके जो भी अनाज हैं, ये सब चीज़ें आपने ऐड करी है। उसके द्वारा आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर में जा रहा है, उस शरीर में जाने के बाद वो पच रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, आप लाइफ जी पा रहे हैं। और उसके बाद जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं वो आंतों के द्वारा क्या कर रही है, बाहर निकल जा रही है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं। अब बात करें कि जो आंतें हैं हमारी, उसमें कैसे फाइबर काम करता है। तो जो आंतों को क्लीन करने का मेन जो काम है ना, वो फाइबर का होता है। अब वो फाइबर हमें कैसे मिलता है, तो हम जो वेजिटेबल खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, हम ग्रेन खाते हैं, जैसे आटा, हमारे गेहूं हो गया, फिर मकई होगी, ज्वार होगी, बाजरी होगी, फिर एक और जो आता है इसको हम बोलेंगे सोल्यूबल फाइबर बोलेंगे। और इन सोल्यूबल फाइबर में आते हैं आपके उसमें आते हैं बीन्स आते हैं, जैसे कि राजमा हो गए, दाल हो गए, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब इन सब में क्या होता है कि फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या करती है, वो फाइबर आपके, आप जैसे इसके, इससे बनाई हुई चीज़ें आप जैसे खाते हैं, तो वो फाइबर क्या करता है, आपके आंतों को क्लीन करने का काम करता है और वहाँ पे गंदगी जमा नहीं होने देता। लेकिन अभी दिक्कत क्या आती है, उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फाइबर की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी बॉडी, जो आप मेल हैं तो आपको 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए पूरे दिन में, आप फीमेल हैं तो 25 से 30 ग्राम आपको फाइबर बॉडी के अंदर चाहिए। और आपका फाइबर का जो लेवल है ना, वो इनसोल्यूबल सोल्यूबल दोनों फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बात करें तो इस जो कॉम्प्लेक्स फाइबर है ना, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। उससे पहले कि अवेलेबल तो है, लेकिन क्या नीड है क्या इसकी, तो नीड को जानने के लिए समझते हैं पहले कि भाई गलती क्या हो रही है हमारे से। सबसे मेन गलती कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या कर रहे हैं, हम बहुत गलत खाना यूज़ कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में हमारा जो अभी क्या आ रहा है, हमारे शुगर वाला खाना आ रहा है, ट्रांसफैट वाला खाना आ रहा है, मतलब जिस चीज़ में बहुत तेल है, मैदा है, ऐसी चीज़ें बहुत आ रही है। अब जब सपोज ये चीज़ें आप खा रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि इन चीज़ों में पहले से तो फाइबर की जो मात्रा है वो बहुत कम है, अब वो जा रहा है और वो पेट में गया, पचा और नहीं पचा, अधूरा पचा, और फिर क्या कर रहा है, वो आंतों में वो गंदगी लेके जमा हो गया। अब सपोज वो गंदगी लेके जमा हुआ है ना, तो वहाँ से आपको दिक्कत क्या आती है, पहली दिक्कत गैस होता है। आपने फील किया होगा बहुत बार गैस रहती है हमारे कि अभी हमें 2 घंटे के लिए रेस्ट करना पड़ जा रहा है, फिर हमारे ब्लोटिंग जैसी सिचुएशन आती है, हमें उल्टी जैसा लगता है, हमें गैस एसिडिटी जैसा लग रहा है, फिर हमें एक और जो दिक्कत आती है वो है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, मतलब चीज़ें पचती नहीं हमारे में। तो ये चीज़ें कब होती है, जब आपके आंतें खराब है। जब आंतें आपकी क्लीन रहेगी, मतलब कि आप एक अच्छा फाइबर यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, और अच्छा फाइबर क्या है, जैसे मैंने बताया था 2 तरीके हैं, वेज, फ्रूट, वेजीज और जो भी आप अच्छी दालें और ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर फाइबर दे पा रहे हैं। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में अभी ये चीज़ नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल में बर्गर, पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें ज़्यादा आ गई है, शुगर ज़्यादा आ गया है, तो इससे क्या है कि हमारी जो आंतें हैं ना, वो डैमेज हो चुकी है। डैमेज का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा है जो नहीं निकलता। अब इस पोजिशन में क्या होता है कि हमें फाइबर कॉम्प्लेक्स की नीड होती है। आपको एक चीज़ समझनी है, आप वेट लॉस की डाइट के अंदर आप क्या करें, तो एक और कन्फ्यूजन आएगा कि सर कॉम्प्लेक्स फाइबर यूज़ करें या फिर हमें एक्टिवेट फाइबर, जो हमारी टैबलेट है, वो यूज़ करें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है और मेरे कस्टमर को मैं हमेशा टैबलेट के लिए बोलता हूँ, बट जो उनको कंस्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं उनको पानी के अंदर इसको दिलाता हूँ। अभी इसको कितनी दिलानी है वो डिपेंड करती है कि सामने वाले की प्रॉब्लम कितनी है। मैक्सिमम 2 बार यूज़ कराता हूँ, मिनिमम 1 बार, जिससे कि उनकी जो दिक्कत है उस हिसाब से उनको सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बड़ी मोटी मोटी क्या समझ में आ रही है कि जो हमें डाइजेशन रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें हैं और वो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है, ये आपको बेनिफिट कर सकता है। अब यहाँ पे इसका कैसे यूज़ करें, इसके अंदर एक स्पून आती है कि एक स्पून में आपको 5 ग्राम जितना आपको फाइबर मिल जाता है, मतलब आप 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं, दिक्कत ज़्यादा है 2 टाइम कर रहे हैं, तो क्या है 10 ग्राम आपको फाइबर मिल जा रहा है। और फाइबर कौन से मिल रहे हैं, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों मिल रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। अब वो क्या कर रहे हैं कि आपको जो आते हैं ना, उसको उसकी सफाई करते हैं। बोलते हैं ना कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी गंदगी है और कीचड़ वैसा गंदा हो रहा है जहाँ पर हम एसिड से काम करते हैं, तो
आपके आंतों को एक तरह का ये एसिड है, मतलब एसिड कोई गंदी चीज़ नहीं है, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, जहाँ से वो आंतों को क्लीन करेगा और फ्यूचर में जो आपको डाइजेशन रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही उसमें आपको राहत मिलेगी। तो सपोज ऐसे इंसान है आप जो वेट लॉस तो कर रहे हैं लेकिन आपको डाइजेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपने वेलनेस कोच को, या फिर आप ऐसे वेलनेस कोच है तो आप अपने कस्टमर को उनको रिकमेंड कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसको, दो तरह से हैं, आप शेक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे कस्टमर को 300 से 450 ml पानी के अंदर एक चम्मच मॉर्निंग में और एक चम्मच शाम को मैं दिलाता हूं, जिससे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। और आप अपने हिसाब से डाइट के अंदर थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, आप शेक के साथ भी ले सकते हैं, आप पानी भी ले सकते हैं, तो दोनों तरीके, आप चाहें तो जूस में भी ले सकते हैं विदाउट शुगर वाले, तो यह भी एक तरीका है। तो अब और एक्स्ट्रा इसका क्या बेनिफिट है, तो मैंने आपको बता दिया कि कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या इसकी क्वांटिटी है। और एक और जो मैं बताना चाहता हूँ, इसका एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है ना, ये क्या करता है आपकी बॉडी में, सपोज आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ से वो ब्लड को भी साफ करता है, मतलब उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ना उसको नीचे ले जाता है और आपके ब्लड का जो, एक तो सर्कुलेशन अच्छा करता है, बट ब्लड का जो क्लियर, मतलब अच्छे ब्लड करना, साफ करना, उसमें भी ये बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो जो सपोज आप ऐसे इंसान हैं जो देख रहे हैं अभी कि भाई मुझे डाइजेशन सही करना है, और मेरे तो ऐसे भी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनको वेट लॉस नहीं करना बट उनको सिर्फ डाइजेशन की दिक्कत है, तो उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ, वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ जैसे मैंने बताया वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो सपोज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कब हमें इसको लेना चाहिए, और वो देखिए साइन देखिए और उसके हिसाब से फिर अपने कस्टमर को, या फिर आप ऐसे कस्टमर खुद हैं तो आप अपने वेलनेस कोच को बोल सकते हैं कि सर ये मुझे दिलाइए, जिससे कि आपकी वेट लॉस जर्नी तो अच्छी रहे प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आपका पूरी पूरी बॉडी बहुत अच्छी रहने वाली। तो ऐसे ही इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा कोशिश करा है कि मैंने आपको नॉलेज दूँ इसके ऊपर और आप इसका बेनिफिट ले पाएं। और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक करें।